हमारा महीने का डीजल इस समय तो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपए का, 25 से 30 हज़ार का खर्च हो जाता है। हाँ, डीजल भर के लिए सब होता है, जितना बचता है वो सब डीजल में चला जाता है। वेलकम टू अन्या ग्रीन एनर्जी, मैं प्रिया राज पुरोहित। आज मैं बात करने जा रही हूँ श्याम कुमार जी से, जो हरदोई के रहने वाले हैं। श्याम कुमार जी 20-25 साल से श्याम कुमार जी 20-25 साल से आटा चक्की का काम कर रहे हैं डीजल से। इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आइए जानते हैं क्या क्या समस्याएं आती थी और इन्होंने सोलर का डिसीजन क्यों और क्या देख कर लिया। नमस्कार श्याम कुमार जी। श्याम कुमार जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं हरदोई से हूँ। हरदोई से। अच्छा, आप चक्की का काम बहुत पहले से करते थे? हाँ, चक्की का बहुत पहले से कर रहे हैं जी। अच्छा, डीजल से करते थे? डीजल से जी। जब आप डीजल से चक्की का काम कर रहे थे तो समस्याएं क्या क्या आती थी आपको? अब समस्याएं क्या, डीजल भर के लिए सब होता है, जितना बचता है वो सब डीजल में चला जाता है, और यही समस्या हो रही है। अच्छा, जितना बचता था वो डीजल में, वो डीजल में चला जाता है। और डीजल को लाने में भी इतना समय का भी नुकसान होता था। समय का भी नुकसान होता और डीजल से जो धुआं उठता था उससे भी स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता होगा। और क्या है कि जाग के पिसाई करना, लेट नाइट तक पिसाई करने से स्वास्थ्य पर उसका भी प्रभाव है। और जो इंजन का शोर होता है उससे भी तो काफी सारी समस्याएं होती है। जैसे कभी कभी कस्टमर बोल रहा होता सुनाई नहीं देता है, तो ऊंचा बोलना पड़ता है। ऊंचा सुन, कुछ लोग तो ऊंचा बोल रहे हैं और सुनने भी लगते हैं, तो ये सारी समस्याएं हो रही होंगी जी। अच्छा, तो तब आपका कितना खर्च हो जाता था महीने में डीजल का? हमारा महीने का डीजल इस समय तो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपए का, 25 से 30 हज़ार का खर्च हो जाता। हाँ। अच्छा, ये बताइए सोलर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? सोलर सिस्टम की जानकारी हमको, हम एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं उनको, तो उसमें आपका फेसबुक पे पूरा ये ईमेल और पूरा बायोडाटा पड़ा हुआ था जी। तो उसको हमने विधिवत देखा, कुछ हमने पढ़ा जी। तो हमें लगा कुछ सही है, तो हमने नंबर सर्च किया। नंबर सर्च करने के बाद में हमने आपके डिपार्टमेंट में नेहा नाम की एक व्यक्ति है, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने हमको कई बार मतलब इनवाइट भी किया बुलाने के लिए कि आइए आप देखिए आके जी, और हमारा सिस्टम लगवाएं या ना लगवाएं एक बार देख लीजिए जी। तो हम कुछ कतराते रहे इस वजह से, क्योंकि हम छूट के माध्यम से छूट वाला करवाना चाहते थे। कोई कारण बस छूट वाला नहीं हम करवा पाए। तो मैं चार भाई हूँ, सबसे छोटा हूँ, ये मेरे मंझले भाई हैं। तो मैंने भाइयों से सलाह ली कि फिर उसके बाद शिवराज जी से मेरी बात होती रही। शिवराज जी महीने 15 दिन में फोन से बात करते रहे, तो उस माध्यम से धीरे धीरे हमने कहा चलो लगवाना है, जो कल करेंगे वो आज कर लो, कल करे सो आज करे। हाँ, तो इस वजह से हमने ये सिस्टम लगवाना स्वीकार किया। अच्छा, तो जब आपने फेसबुक पे वीडियो देखा, लिंक वगैरह चेक किया सब कुछ, तो आपको वहाँ पे भरोसा हुआ या बातों से आपने भरोसे किए? नहीं, भरोसा तो हमें फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। हाँ, वो ही जानना और था दूसरी चीज, जिस दिन मैं लगा रहे थे, फिर उसके बाद में जब शिवराज जी ने हमारे क्षेत्र के 2-4 लोगों के नंबर दिए, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। कोई चीज होता है जब उसको विधिपूर्वक जब हम समझ लेते हैं तब को थोड़ा यकीन होता है कि हाँ वास्तव में कुछ है। जब तक हम समझते नहीं तब तक हम आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। तब हमें लगा कि हाँ कुछ है, तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर शिवराज जी ने कहा कि ऐसा है, आप डाउन पेमेंट 20,000 रुपये लगा दीजिए और आपकी बुकिंग हो जाएगी। उसके बाद में जब आना पहले माल लोड करवा लेना, उसके बाद में आप कैश करना, उसके बाद में अपना माल। अच्छा विजय जी, एक क्वेश्चन और है। बीच में आपने अभी बताया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, हम जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ था आपके साथ कि आप इतना मतलब एक होता ना डर बैठ गया था डर कुछ नहीं होता है, डर तो जैसे आप लोग पैदा कर देते हैं, जैसे विश्वास किसी के अंदर है ही नहीं जी। और एक गलत करता है तो हाँ, सब समाज में सब दोषी ठहर जाते हैं। तो इस वजह से कि हमारा एक फ्रेंड सर्वेश नाम का था, तो उसके साथ में घटना घटित हुई, मैंने आंखों से देखा, मेरा फ्रेंड था जी। तो 3,90,000 रुपए का सामान लिया, सामान लेने के बाद में गाड़ी आई ट्रांसपोर्ट से, लोड हो गया सब कुछ, फिर उसके बाद में केबिन में
चाय पानी हुआ, उसके बाद में बाहर निकले तो हमने कहा भैया चलो ड्राइवर को बुलाएं। तो जहां से सामान उठाया गया, लोड हुआ, तो केविन में जिस व्यक्ति ने कहा चाय पानी कर लो, तो वहां कहने लगा कि भैया सामान तो आपका घर पहुंच गया है और आप लोग तो यहाँ चाय पानी करते रहे। तो बाहर निकले, काफी बातचीत होती रही, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, सामान सब चला गया, पैसा भी नहीं रिटर्न। अच्छा, सामान आपके घर तक पहुंचा ही नहीं? सामान वो यहाँ कंपनी से ले गए, घुमा फिरा करके हम लोग चले गए फिर वही कंपनी में। अच्छा, तो वो कहते हैं ना कि अगर तालाब में एक मछली गंदी हो तो सब गंदा ही लगता है। भरोसा करना इसीलिए आपके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए आपको इतना समय लग गया। तो अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे अभी आप सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं, तो आपने कुछ सोचा हो कि इसलिए मतलब बचत क्या है, ये सब सोच के सिस्टम लगवाने जा रहे हैं? अब सोच के आधार पे देखा जाए कि मतलब समाज में तो अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। काफी पढ़े लिखे ग्रेजुएट होते हुए फिर भी मतलब जॉब के लिए प्राइवेट जॉब करो तो 10 से 15 हजार रुपए, बहुत ज्यादा तो 20 हजार रुपए। घर पे रहते हैं तो कुछ नहीं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ में हम पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है, खुद करेंगे। उसमें जो चार लोग हैं तो चार लोग वो व्यस्त होंगे, एक के साथ में चार को रोजगार मिलेगा, जिससे समाज में मतलब जो एक साइड बिजनेस भी हो जाएगा कि अगर आप चाहें तो इस पे एक दो लोगों को रख के उनको भी काम मिल जाएगा और आपका भी काम चलता रहेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा विचार है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने कितना पेड़ लगाया होगा? पेड़ तो हमने लगाए होंगे कम से कम 200-300 पेड़। और आपको पता है ये जो सिस्टम आप लगा रहे हैं 70 किलोवाट का, 17.6 किलोवाट, इसमें आप कितना पेड़ एक साथ बचा रहे हैं, एक साथ वन टाइम में? मतलब एक होता है ना, आपने 300 लगाया होगा, जरूरी नहीं एक ही दिन लगाया होगा, पर यहाँ आप एक ही टाइम में 810 पेड़ बचा रहे हैं। मतलब आप पर्यावरण को भी सुरक्षित कर रहे हैं, साथ साथ आप जो धूल धुआं डीजल इंजन शोर ये सब चीजों से खुद को मुक्त कर रहे हैं, तो ये काफी सराहनीय और गौरवपूर्ण काम कर रहे हैं आप। इसके लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। और घर में एक चीज और बताइए, घर में कितनी खुशी का माहौल है कि आप सोलर लगाने जा रहे हैं? इसके लिए किसी ने रोका होगा घर में, जैसे कि नहीं लगवाना चाहिए ऐसा कुछ? नहीं, घर में कोई सब खुश है कि सोलर सिस्टम लगने जा रहा है जी। पास पड़ोस में कहीं सिस्टम लगा हुआ है? लगे तो हमारे क्षेत्र में 4-5 लगे हुए हैं, उनको देख के मेरे समझ में नहीं आता है, उनका अच्छा नहीं चलता है। तो हमने देखा है कि मतलब आपका जो अन्य ग्रीन एनर्जी के लगे हुए हैं देखा है, तो हमें लगा कि हाँ ये कंपनी सही है, इसका सिस्टम भी सही है, चल रहा है अच्छा, तो इस वजह से हमने कहा चलो लगवाते हैं। तो अन्य ग्रीन एनर्जी से जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका सोच और आपका विचार जो है सोलर को लेके बहुत ही अच्छा है, और आगे आपके साथ बहुत अच्छा हो, काम भी बढ़िया चले आपका। इसी के साथ नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अभी श्याम जी ने कहा कि सोलर सिस्टम पे इनको काफी भरोसा है और ये आगे सोलर सिस्टम के साथ काम करना चाहते, क्योंकि काफी लंबे टाइम से ये डीजल से काम करते चले आ रहे हैं। डीजल की महंगाई, डीजल से होने वाले धुआं और प्रदूषण, इन सभी से परेशान होकर इन्होंने सोलर सिस्टम लगाने का डिसीजन लिया, जो इनके लिए काफी गौरवपूर्ण और सराहनीय भी है। ऐसे आप लोग भी अपने नॉर्मल आटा चक्की को सोलर आटा चक्की में बदलें और अपने डीजल तथा बिजली के बिल से मुक्त हों। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।